हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये पार्ट थर्ड में लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के विकास के इतिहास का, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात हम करेंगे। आप अगर जीएस टच में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन प्लीज ऑन कर लें, कि जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी, जो सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जब सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन कर लें और सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके की वीडियो लगी आपको, कैसा मैंने पढ़ाया और कौन से सब्जेक्ट्स का आपको चाहिए, तो वो सारी बात करेंगे। ठीक है, हम आपसे बिल्कुल बात करते रहेंगे कि किस तरीके से आपका मैं हेल्प कर सकूं। अभी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैं ले रहा हूं क्लास, तो उसमें भी हम बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंटबेटन प्लान क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 क्या था और कैबिनेट मिशन 1946 क्या था, इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट लेट क्वेश्चन आते हैं वीडियो की तरफ। माउंटबेटन प्लान क्या था, इसमें कौन सी बातें की गई माउंटबेटन प्लान में। माउंटबेटन प्लान था, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, नाम से जाना जाता है। ये 3 जून को योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन प्लान को किस किस नाम से जाना जाता है, 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन प्लान कब आया था, 3 जून 1947 को आता है। माउंटबेटन प्लान को इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा था या 3 जून के योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंटबेटन प्लान कब प्रस्तुत किया गया, 3 जून 1947 को। इस योजना के तहत भारत तो संपूर्ण राष्ट्र तथा भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त करने का प्रस्ताव था। इसमें क्या था, भारत को तो संप्रभु राष्ट्र बनाने के, राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान को विभक्त करने के प्रस्ताव था। इसमें क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान को बांटने की बात थी। क्या थी, इंडिया और पाकिस्तान को बांटने की बात थी। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव था। पंजाब और बंगाल भी डिवाइड हो गया, दो भागों में बांटने की बात की गई थी। देसी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट थी। अब जो देसी रियासतें थे, जैसे हैदराबाद थी, जम्मू कश्मीर था, तो ये सब देसी रियासतें जो थी, ये सबको अब अपना छूट दे दिया गया इसके इच्छा अनुसार। क्या किया गया कि आपको बिल्कुल छूट है भाई, आप जहां चाहते हो शामिल हो सकते हो। आप इंडिया में रहना चाहते हो इंडिया में रहो, या पाकिस्तान में शामिल होना है तो पाकिस्तान में रहो। तो भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार था। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार मिल गया था। अब ये राष्ट्रमंडल बात आई, तो अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि राष्ट्रमंडल है क्या। पहले मैं राष्ट्रमंडल समझा दूं। राष्ट्रमंडल वो होता है जो ब्रिटिश का गुलाम रह चुका होता है, ब्रिटिश हुकूमत कर चुकी होती है, क्या तो रूल कर रही होती है, उसे राष्ट्रमंडल कहा जाता है। जिस देश पर क्या आता है, देखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल में वही कंट्री आएगी जिसपे ब्रिटिश ने, जिसे कहते हो, जिस पर रूल किया, शासन किया, जिसे जिसे अपना अपने अंडर में रखा है, उसे ही राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया जाता है। तो ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार किसे दे दिया, भारत और पाकिस्तान को, कि आप बिल्कुल हमारे अंडर में नहीं हो, ब्रिटिश रूल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अब तुम आजाद आजाद कंट्री हो सकते हो। ठीक है, अलग अपनी देसी रियासतों को भी छूट दे दी गई, सब कुछ यहाँ पर ब्रिटिश का सब कुछ खत्म हो जाता है 1947 के माउंटबेटन प्लान में। ठीक है, इस प्रस्ताव को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सभी सहमति दलों ने मान लिया। अब मुस्लिम लीग ने भी इसे माना और कांग्रेस ने भी माना कि हाँ भाई, हमें यह स्वीकार है, हम अपना आजाद है, हम अपना जैसे मर्जी वैसे कर लेंगे। ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूल रूप से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पारित कर दिया। अब इसे ब्रिटिश ने जब कहा कि अग्री हो गया, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अग्री हो गया और मुस्लिम लीग भी अग्री हो गया, तो अब भाई इसे पूर्ण रूप से पास कर दिया जाए, तो इसे पास कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंट 1947 के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की बात अब करेंगे। अब इसमें माउंटबेटन प्लान हो गया, तो अब इसमें क्या बात की गई, इसमें बात की गई माउंटबेटन योजना के अनुसार। क्या क्या क्या, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ। माउंटबेटन प्लान कब प्रस्तुत हुआ है ब्रिटिश संसद में, यह प्रस्तुत हुआ 4 जुलाई 1947 को। कब प्रस्तुत हुआ, 4 जुलाई 1947 को। कहां प्रस्तुत हुआ, ब्रिटिश के संसद में। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। अब यह क्या हुआ, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर दिया गया कि भाई अब इंडिया वाले इंडिया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हमें करना है। अब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश ने मान लिया, तो अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान दिए गए उसकी बात हम करेंगे। क्या क्या प्रावधान मिला इसे वो बात करेंगे। 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी।
क्या की जाएगी इसके इस 23 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ दो कंट्री अब बनेगा भाई, दो स्टेट बनेगा, डोमिनियन स्टेट जिसे भारत और पाकिस्तान का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेट में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। अब क्या होगा, दोनों में अपना अपना गवर्नर जनरल होगा भाई, दोनों आजाद हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो अब इसमें एक एक गवर्नर जनरल होगा भाई अपना। तो ये कौन कौन होगा भारत में, नोट यहां पर लिखा हुआ मैं बता दूं आपको कि भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया, किसे बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त गवर्नर जनरल थे, तो उसे ही गवर्नर जनरल बनाया गया भारत का, ठीक है। जबकि पाकिस्तान का किसे बनाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल पहला बना। नेक्स्ट है कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए धीरे धीरे कैसे संविधान सभा का गठन होता है, कैसे मैंने बताया था कि गठन कैसे हुआ, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ उसका इतिहास बता रहा था, और अब संविधान सभा का गठन होगा। तो अब ये किस तरीके से संविधान सभा का गठन होगा, तो ये 1947 के अधिनियम के तहत क्या कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा दो अलग अलग देशों का, ठीक है। वर्तमान संविधान सभा की ही नए संविधान के बनने के लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। अब 1935 का जो एक्ट है जिस तरीके से बनाया गया था उसमें कि 448 आर्टिकल थे जिसमें 300 कुछ इंडिया पे लागू होते थे और 66 कुछ ऐसे ही बर्मा पे लागू होते थे। तो इस तरीके से इसे बात किया गया कि नहीं, विधानमंडल का जो रूप होगा वो वैसे ही होगा, 1935 के एक्ट के तहत ही कार्य किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का मंत्री पद समाप्त कर दिया जाएगा, भारत में जो मंत्री पद है उसे अब समाप्त कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या जो 389 से कम करते हुए भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने कर दी गई, 324 कर दी गई। पहले कितना था, 389 था, लेकिन अब कितना कर दिया गया, 324 कर दिया गया, ठीक है। जिसमें 235 स्थान प्रांतों से और 89 देशी रियासतों से, देशी रियासत भी आजाद थी, तो देशी रियासतों से भी कितने कितने आदमी आने थे, कितने आने थे, 89 सीटें आनी थी, और 235 कहां थे, स्थान प्रांतों से थी। दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसी कहते इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जो था उसी में क्या किया गया कि दो देशों का सीमा निर्धारण होगा। अब भाई दो अलग अलग स्टेट बनेंगे डोमिनियन स्टेट, तो उसका तो एक लाइन होना चाहिए कि नहीं, इतना से मेरा इंडिया और इतना से तुम्हारा पाकिस्तान। तो इसकी बात की गई रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, उस वक्त किसकी अध्यक्षता में, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में बात की गई, और उसी रेड क्लिफ के नाम पे रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो ये 1947 में बात की गई। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14 और 15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राज्यों का गठन किया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का नाम, ठीक है, और 15 अगस्त को हमारा इंडिया आजाद होता है 1947 में, ठीक है, ये गठन किया जाता है। अब ये गठन किया जाता है 1947 में, रेड क्लिफ के नाम पे रेड क्लिफ लाइन पड़ी है इंडिया पाकिस्तान के बीच। इंडिया जब ये रावी नदी के तट पर हम 12 बजे रात में झंडा फहराए थे, तो पाकिस्तान में उस वक्त 14 अगस्त की रात थी और इंडिया 15 अगस्त की तरफ प्रस्थान कर चुका था, 15 अगस्त आ चुका था यहाँ, और वहां इससे पहले था तो इसलिए वहां 14 अगस्त माना गया, ठीक है। अब स्वतंत्रता के पश्चात भाई मंत्रिमंडल गठित किया गया, तो अंतरिम मंत्रिमंडल, एंट्रिम जो मंत्रिमंडल था उसमें क्या क्या था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष किसे चुना गया, ये चुना गया 1947 से पहले का है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अध्यक्ष चुना गया, सॉरी स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद 1947 में, ये किसका है, 1947 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री पहले कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये विदेश के और कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर, गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री दिया गया। फिर आता स्वतंत्रता पश्चात भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री, कानून मंत्री, अगर कोई बने के लॉ मिनिस्टर, किसे बनाया गया, इसे बनाया गया भीमराव अंबेडकर को। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य तथा कृषि मंत्री बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। खाद्य कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और पहले प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के। सरदार बलदेव रक्षा मंत्रालय थे और विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे मंत्री बनाया गया, रेलवे परिवहन मंत्री। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर बनाया गया। सी एस भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। आर के सन्मुख सट्ठी को ये वित्त मंत्री बनाया गया, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बनाया गया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी से याद आया हमें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभी कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके रख दिया गया। क्या रख दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 150वीं शायद वर्षगांठ मनाई है कोलकाता पोर्ट ने, तो उसी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। एनवी गॉडगिल को कार्य खदान तथा ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है 1946 का। अब ये कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई तो इसमें क्या होता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में बनी सरकार क्लेमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी का गठन हुआ। लेबर पार्टी किसके किसका गठन, लेबर पार्टी की सरकार कहां बनी? ब्रिटेन में बनी। ये कब बनी? दूसरा विश्व युद्ध जब 1944 में खत्म हो जाता है तो 1946 में ये कैबिनेट मिशन बना था। इसमें लेबर पार्टी की सरकार थी, इसमें 3 कैबिनेट मंत्री का एक मिशन भारत भेजा गया। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ये कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टोफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ये भारत सचिव थे और ये अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, एवी का फुल फॉर्म है अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन में भारत ने तत्काल एक अंतरिम सरकार एंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की तथा संविधान सभा के गठन की संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। 1946 का कैबिनेट मिशन जो है इसमें क्या है कि एंट्रीम गवर्नमेंट की स्थापना की इसमें, और संविधान सभा के गठन की मांग की गई कि अब संविधान सभा हो, उसके निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई, एक योजना बताई गई। ठीक है, इस योजना के तहत प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अब भाई एक प्रतिनिधि होगा तो कितनी जनसंख्या होगी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। यह किसमें कहा गया? कैबिनेट मिशन में कहा गया। इस योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 389 निश्चित की गई, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर दिल्ली अजमेर मावरर कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि हो गए। अब ये कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 4 कौन थे? चीफ कमिश्नर थे। कहां कहां के? दिल्ली के, अजमेर के, अजमेर मारवाड़ के, कुर्ग के तथा ब्रिटिश में जो ब्रिटिश बलूचिस्तान जो था, बलूचिस्तान जो ब्रिटिश कब्जे में था, वहां से था। अब उस क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 कहां थे? देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसमें संविधान सभा के 296 क्षेत्रों के सांप्रदायिक आधार पर 3 वर्गों में विभाजित था। 296 जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कौन कौन था? सामान्य संविधान सभा में 213 सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया था 213 सीट, मुस्लिम वर्ग के लिए 79 सीट दिया गया था और सिख के लिए 4 सीट दी गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा तय किया गया। यह किसके कैसे तय किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा तय किया गया संसदीय चुनाव का। ठीक है, संविधान सभा में, जबकि देशी रियासतें के प्रतिनिधि को चयन की पद्धति परामर्श तय की गई थी। अब देशी रियासतें जो थी उसे क्या था कि चयन किया गया, चयन पद्धति उसमें शामिल की गई। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब हुआ संविधान सभा का चुनाव? जुलाई 1946 में हुआ। 389 सदस्यों में प्रांतों में एक निर्धारित, 296 एक निर्धारित था, 296 को निर्धारित चुना गया, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नर थे। सदस्य के लिए चुनाव हुए जिसमें 208 स्थान कांग्रेस को मिला। कितना मिला? 208 कांग्रेस को मिला, 73 स्थान मुस्लिम को मिला और 15 स्थान अन्य दलों को प्राप्त हुआ। ठीक है, संविधान सभा के अनुसूचित जनजातियों के सदस्य की संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा में अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो भाई 33 थी उस वक्त। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। अम्मू स्वामीनाथन, अमृता कौर, ये सब महिलाएं थी संविधान सभा की। ठीक है, उसके बाद आता है कि संविधान सभा अपनी स्थिति को कमजोर देखने हेतु मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा मुस्लिम लीग ने क्या किया कि बहिष्कार किया इसका, संविधान सभा का। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। हैदराबाद की ये देसी रियासत में हैदराबाद आता था, हैदराबाद कश्मीर ऐसे देसी रियासत में आता था, तो ये सब बिल्कुल प्रतिनिधि नहीं भेजा। ये एकलौता हैदराबाद था कि जो प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं सम्मिलित किया। ठीक है, अब आता है एंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में वो क्या था, अंतरिम सरकार बनी और योजना प्रस्तुत की संविधान सभा का वो क्या था। कैबिनेट मिशन योजना 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की। कब की? 24 अगस्त 1946 को एंटरिम गवर्नमेंट। अब ये 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार की गठित की गई। अंतरिम सरकार का गठन किसने किया?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री ने क्या कब किया 2 सितंबर 1946 को प्रस्तुत किया। ठीक है, यह वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्ष तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इस वक्त जब अंतरिम सरकार गठित की गई, उसमें कुल 13 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग जो अलग थी वो अब क्या हुई, इसमें शामिल हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम भी सपोर्ट करेंगे। परिषद के 3 सदस्य थे, सैयद अली जहीर थे, शरद चंद्र बोस थे और सर शाफत अहमद खान को मंत्रिमंडल हटाकर मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया। ये 3 को हटा करके क्या किया, परिषद के 3 सदस्य जो थे इसे हटाकर 5 प्रतिनिधि को मुस्लिम लीग का शामिल किया गया। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। क्या था कि पाकिस्तान के लिए लीग को लड़ना था उसके अगेंस्ट में। अब अंतरिम मंत्रिमंडल जो था उसमें कौन कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्री के राष्ट्रमंडल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, आसफ अली को रेलवे दिया गया, जॉन उसके बाद क्या था जगजीवन राम को शर्म का श्रम ही रहा, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा दिया गया जो पहले किसको था, मौलाना अबुल कलाम आजाद को था। ये इंटरिम गवर्नमेंट की बात है, ये 1946 की बात है, ठीक है, और वो आजाद भारत की बात थी। उसके बाद सी एच बाबा को कार्ज बंदरगाह दिया गया, खान का जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति, गजंतर अली को स्वास्थ्य दिया गया और लियाकत अली खान को मुस्लिम लीग के जो थे वित्त दिया गया, आई चंडीगढ़ मुस्लिम लीग के थे वाणिज्य दिया गया, अब्दुल रब नश्तर मुस्लिम लीग के थे संचार दिया गया इनको, जंगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग के थे इन्हें विधि दिया गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये रहा हमारा माउंटबेटन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और कैबिनेट मिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अभी जी स्टेज में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और कैसी लगी हमारी वीडियो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें कि कैसा लगा हमारा वीडियो, क्या आप पूरे नॉलेज गेन किए कि नहीं किए, क्या ये आपके लिए महत्वपूर्ण था कि नहीं था। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, मतलब भारतीय संविधान के विकास का इतिहास बिल्कुल खत्म। अब संविधान सभा का गठन जो होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अब इसका मैंने MCQ भी बना दिया है, वो आप MCQ भी सॉल्व करें, वो भी अपलोड कर दिया है मैंने। थैंक यू सो मच।